आखिर किन चेहरों को लेकर फंस रहा है योगी का मंत्रिमंडल। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार योगी फिर पहुंचे दिल्ली। क्या केशव प्रसाद मौर्य हारने के बाद फिर बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम? क्या हार कर भी केशव का बढ़ेगा कद? 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम योगी लगातार दिल्ली के दौरे पर हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। यूपी में प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी अभी हाल ही में 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, गृह मंत्री और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की। लेकिन हैरानी की बात ये कि 2 दिन के दौरे के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि सीएम योगी को दोबारा दिल्ली बैठक में शामिल होने के लिए जाना पड़ा? आखिर योगी कैबिनेट को लेकर कहां पेंच फंसा हुआ है? दरअसल दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर आज एक और जरूरी बैठक है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी भी लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुके हैं। योगी के मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे अभी तक इस पर पक्का फैसला नहीं हो पाया है। पेंच फंसा हुआ है डिप्टी सीएम बनाने को लेकर। खबरें आ रही हैं कि इस बार यूपी में 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम को लेकर जिन चेहरों का नाम सामने आ रहा है उनमें दलितों के डिप्टी सीएम के नाम है असीम अरुण और केशव प्रसाद मौर्य। वहीं ब्राह्मणों के डिप्टी सीएम माने जा रहे हैं बृजेश पाठक और अरविंद कुमार शर्मा। इन चार चेहरों में से ही डिप्टी सीएम पर मोहर लगाई जा सकती है। फिलहाल अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि यूपी में 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम बनेंगे या सिर्फ एक ही। लेकिन सवाल बड़ा है क्योंकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी को जीत दिलाने वाले केशव प्रसाद मौर्य जहां एक समय सीएम पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे, वहीं आज उनके पद को लेकर ही संशय बरकरार है। 5 साल बाद 2022 में उनके लिए डिप्टी सीएम पद को असमंजस के हालात पैदा हो गए हैं। पार्टी हाईकमान से लेकर संगठन तक डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी के लिए मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी के सामने सवाल नंबर 2 यानी कि उप मुख्यमंत्री का है कि इस पोजीशन पर कौन होगा, क्योंकि पहले कार्यकाल में उनके डिप्टी रहे केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट सिराथू से हार गए हैं। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के बीच डिप्टी सीएम का हार जाना बड़ा झटका जरूर रहा। दिलचस्प बात है कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए चुनावी कैंपेन में पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और खुद पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल ने भी प्रचार किया था। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में पिछड़ी जाति के प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे हैं। साल 2017 में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान ही बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की खबरें भी लगातार सबके सामने आती रही हैं। हालांकि कोई भी खुलकर इस पर बात करने को तैयार नहीं, लेकिन जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है उसे देखकर यही लगता है कि अभी तक कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है। और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर सीएम योगी हामी भरेंगे या राजी होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।